नमस्कार दोस्तों, कोइंस ज्ञान नॉलेज और क्रिप्टो करेंसी में आपका स्वागत है। क्रिप्टो करेंसी की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि शायद ही कोई इंटरनेट यूजर होगा जिसने इसके बारे में ना सुना हो। आज के समय में क्रिप्टो करेंसी की मार्केट कैप लगभग $2 ट्रिलियन को टच कर गई है। लेकिन आज हम क्रिप्टो करेंसी के नाम पर हुए सबसे बड़े फ्रॉड की कहानी बताने जा रहे हैं। खुद को क्रिप्टो करेंसी की महारानी बताने वाली इस महिला ने दुनिया भर के लोगों को सपने दिखाए और 30,000 करोड़ रुपए के फ्रॉड को अंजाम दिया। मूल रूप से बुल्गारिया की रहने वाली रोजा इग्नोतोवा पेशे से डॉक्टर थी। बिटकॉइन की सफलता को देखने के बाद रोजा ने वन कॉइन लॉन्च किया था। रोजा का दावा था कि एक समय में वन कॉइन दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी हो जाएगी और लोगों को इससे कई गुना प्रॉफिट मिलेगा। We will be the biggest out there and we will write history. And the cryptocurrency community will have to rewrite philosophy. अमेरिकी एजेंसियों का कहना है कि वन कॉइन कंपनी ने दुनिया भर में करीब 30,000 करोड़ रुपए के फ्रॉड को अंजाम दिया। इससे जुड़े कुछ मामले की सुनवाई अभी चल रही है। एक केस में फ्लोरिडा के डेविड पाइक ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। 2016 में वन कॉइन को लेकर रोजा इग्नोतोवा ने लंदन से लेकर दुबई समेत कई देशों में सेमिनार किए। हर सेमिनार में वह कहती थी कि एक दिन वन कॉइन बिटकॉइन को पीछे छोड़ देगा। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2014 से मार्च 2017 के बीच दुनिया भर के कई देशों से करीब 4 अरब यूरो का निवेश वन कॉइन में हो चुका था। रोजा लगातार सेमिनार करती जा रही थी और निवेश की रफ्तार तेजी से बढ़ रहा था। खास बात है कि लोगों ने केवल रोजा की बातों में आकर निवेश किया, वरना वन कॉइन के पास वह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ही नहीं थी जिस पर बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी काम करती है। रोजा ने वन कॉइन को ब्लॉकचेन से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रही। वन कॉइन का सबसे छोटा पैकेज 140 यूरो का था और सबसे बड़ा 1,18,000 यूरो का। लोगों से एक्सचेंज खोलने का वादा किया गया था जिससे भविष्य में वह अपने वन कॉइन को डॉलर या यूरो में बदल सकेंगे। लोगों को इसका ही इंतजार था क्योंकि उनके पैसे वन कॉइन की साइट पर कई गुना बढ़ते ही जा रहे थे। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक वन कॉइन में अगस्त 2014 से मार्च 2017 के बीच 4 अरब यूरो का निवेश किया गया था। कुछ लोगों का मानना है कि वन कॉइन में 15 अरब यूरो से ज्यादा का निवेश हुआ होगा। इस बीच क्रिप्टोकरेंसी के समर्थक वन कॉइन के निवेशकों से जुड़ने लगे और उसकी सच्चाई बताने लगे। अभी वन कॉइन के कई निवेशक सच्चाई नहीं जान पाए थे। इस बीच रोजा अपनी इस कमाई को नई नई संपत्तियां खरीदने में लगा रही थी। उन्होंने बुल्गारिया की राजधानी सोफिया और काला सागर के किनारे स्थित शहर सोजोपोल में लाखों डॉलर की संपत्ति खरीदी। रोजा को अक्टूबर 2017 में लिस्बन में एक कार्यक्रम में आना था। रोजा आज तक लिस्बन नहीं पहुंची और वह लापता हो गई, यानी वह क्रिप्टो रानी गायब हो गई, जिसने हजारों लाखों निवेशकों को रातों रात अमीर बनाने का सपना दिखाया था। इस मामले की जांच अभी चल रही है, लेकिन अभी तक रोजा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। कोई कहता है कि रोजा मर गई है, तो कोई कहता है कि वह छिपी हुई है, तो कोई और कहता है कि वो शायद किडनैप हो गई है। बात करते हैं भारत में उस समय क्या हुआ था। अप्रैल 2017 में इंडियन पुलिस मुंबई में 18 लोगों को हिरासत में लिया। कहा जाता है कि ये लोग वन कॉइन भर्ती कार्यक्रम को आयोजित करने की प्रयास में थे। पुलिस के हत्थे चढ़ने से पहले ही 11 मिलियन की ट्रांजैक्शन इनके बैंक अकाउंट से हो चुकी थी। आपकी क्या राय है रोजा इग्नोतोवा के बारे में? आखिर रोजा इग्नोतोवा के साथ क्या हुआ होगा? अपनी राय जरूर कमेंट में दें। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और प्लीज अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।